कला शब्द आपके लिए यूज करना एक साधु के नाते मुझे ठीक नहीं लगता। कलाकार तो है ही आप किसी न किसी विद्या के चरणों में समर्पित साधक है। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर तलगजरदा स्थिति के चित्रकूट धाम में विभिन्न कलाओं के साधनों को सम्मान दिया गया। मुरारी बापू ने कहा, मेरे विचार से कोई भी कलाकार केवल कलाकार ही नहीं बल्कि ज्ञान का अभ्यासी भी होता है। मुरारी बापू ने कहा कि हनुमान जन्मोत्सव और यहाँ सम्मान उपक्रम उन्हीं के हित के लिए है और वे स्वयं विभिन्न विद्याओं के साधकों को इस प्रकार प्रणाम कर रहे हैं। मुरारी बापू ने कहा कि मेरे विचार से कोई भी कलाकार केवल कलाकार ही नहीं बल्कि ज्ञान का साधक भी होता है। महात्मा ने हनुमान जी के विभिन्न रूपों का वर्णन किया और कहा कि वे पाद नहीं बल्कि पादुका के उपासक थे और हर कला हनुमान जी को समर्पित थी। आज के सम्मान समारोह में मुरारी बापू द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के 13 कलाकारों ने सम्मान किया गया। यहाँ एक संजय ओझा, वृंदावन सोलंकी, अजीत ठाकुर, निरंजना वोरा, स्वर्गीय किशन भाई गाड़ियो, चंपक भाई गुदिया, अमित देवत्या, सुनील लहरी, जैकी श्रूफ, विष्णु श्रीराम वैद्यनाथ, उत्साद फलज कुरेशी, पंडित राहुल शर्मा एवं पंडित उदय भावलकर ये सम्मानित किया गया। इस समारोह में विदुषी श्रीराम वैद्यनाथ के द्वारा भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी गई। हनुमान जन्मोत्सव और संगीत और समारोह में विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों, विद्वानों और गणमान्य लोगों ने भाग लिया। हनुमान तुम्हारा जीवन क्यों है? किसी का धर्म कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, वायु के बिना चलेगा कोई भी इनका? क्योंकि मैं हनुमान को नहीं मानता, ऐसा कहने के लिए भी वायु की जरूरत है, श्वास की जरूरत है, वरना तो हम जी नहीं पाए। तो हनुमान तत्व की उपासना करने के लिए अभी सुंदरकांड का पाठ हुआ, बच्चों ने बजाया गाया सब हुआ, तो श्री हनुमान जी के कुछ रिश्ते जो है विशिष्ट लोगों के साथ, वो यदि हम समझ ले तो हनुमंत तत्व को हम विशेष आत्मसात। और हनुमंत तत्व मीन्स ये कीर्तनाचार्य है, गायनाचार्य है, नर्तनाचार्य है, ये व्याकरणाचार्य है, क्या नहीं है,